बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है पाको रबान और इस फ्रेगरेंस का नाम है 1 मिलियन एलिक्सर। 1 मिलियन के काफी ज्यादा ब्रांड, काफी ज्यादा फ्लैंकर्स आए, 1 मिलियन ओरिजिनल, 1 मिलियन लकी, 1 मिलियन परफॉर्म, 1 मिलियन प्रीवे। इस तरह मैंने सारों के रिव्यूज, तकरीबन सारों के रिव्यूज अपने चैनल पर डाले हुए हैं। ये फ्लैंकर मुझे बहुत सारे भाइयों ने रिकमेंड भी किया यूज करने के लिए और रिक्वेस्ट भी बहुत ज्यादा की कि अदील भाई इसका रिव्यू जल्द से जल्द बनाए, हम आपके रिव्यू के बाद इसको बाय करेंगे। तो वकास अहमद से मुझे इसका पार्सल मिल रहा था। बेसिकली तो ये 200 ml की बॉटल है, मैं आप लोगों को दिखाता भी हूं। तो मुझे वकास अहमद से इसका पार्सल मिल रहा था, तो मैंने इसको बाय कर लिया। कुछ अर्सा कबल हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे कहा अदील यार किस तरह इतनी फ्रेग्रेंसेज आप जो है ना वो ले लेते हो। तो मैंने उनको यही कहा कि जी द बेसिक फार्मूला इज के मैं पार्शल्स ट्राई करता हूं कि मुझे पार्शल्स मिल जाएं, और पार्शल्स के लिए मैं वकास अहमद से रबते में रहता हूं, तो वो मुझे उससे पार्शल्स मिल जाते हैं उन फ्रेग्रेंसेज के। ठीक है, तो पार्शल्स में ये होता है कि एक फ्रेग्रेंस, लेट सपोज अब इस फ्रेग्रेंस की जो प्राइस है वो 24,000 रुपए के करीब है, फुल बॉटल की विद पैकिंग सब कुछ। लेकिन पार्शल ये होता है कि वो क्वांटिटी ऑफ द जूस पे डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी है, फिर आपको उसमें बॉटल भी मिल जाती है, बॉक्स मुझे नहीं मिलता, समटाइम्स डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर मी। तो बॉटल मिल जाती है आपको, एक जूस मिल जाता है और रिव्यू के लिए भी हो जाता है। बेसिकली तो मैं अपने यूज के लिए लेता हूँ, रिव्यू तो मैं आप लोगों के प्यार मोहब्बत में बना देता हूँ। और उसमें यह है कि कलेक्शन में रखने के लिए आपके पास बॉटल हो जाती है, आपके पास सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि मेरे पास ये परफ्यूम आ गया है। और वो फिर उसके ना, लेट सपोज अगर 24,000 का है तो वो आपको, आपकी लक है, 18 में मिल सकता है, 16 में मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन द जूस। ठीक है, तो ये इसका मैं आप लोगों को दिखाता चलूं। मुझे बॉक्स समेत ये पार्सल मिला वकास अहमद से, तो मैं आप लोगों को पहले इसकी प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं। ये रही इसकी प्रेजेंटेशन, ये आप देख सकते हैं 1 मिलियन जो इसका लोगो है, उसके बाद एलिक्सर ये आप देख सकते हैं, और पाको रबान। रिसेंटली पाको रबान जो है उनकी डेथ हुई है, तो अच्छे परफ्यूम, बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम उन्होंने बनाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एलिक्सर लिखा हुआ है, पाको रबान लिखा हुआ है, टॉप पे बॉटल के पाको रबान का लोगो है ये देखें, और बाकी सिंपल बॉटम पे ये साइड खाली, ये थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह पीछे लिखी हुई है, बल्कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन फ्रांस, उसके बाद लिखा हुआ है कॉन्शियस एंड वीगन फार्मूला। ठीक है, और उसके आगे लिखा हुआ है वेरी लॉन्ग लास्टिंग, इसके ऊपर लिखा हुआ है बाकायदा वेरी लॉन्ग लास्टिंग, यहाँ पे अगर आप देख सकें तो। ठीक है, वेरी लॉन्ग लास्टिंग ये पहला परफ्यूम है मेरे ख्याल में जिसके ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे इसकी ब्रांडिंग हुई है और ये इसका बैच कोड लिखा हुआ है, जो कि इसकी बॉटल पे भी लिखा होना जरूरी होता है। ठीक है, 13491, मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। मैं बैच कोड बॉटल पर ढूंढता रहा, बैच कोड कहाँ लिखा है, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला, मैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया इसका सिंपल सा बॉक्स। बॉक्स जैसे ही आप खोलेंगे यहाँ पे ये इसका वो QR कोड एंड ऑल दैट, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। और ये रही इसकी 200 ml की बॉटल, जो कि काफी बड़ी है, आप देख सकते हैं, टिपिकल 1 मिलियन की तरह की बॉटल है। ब्लैक इसका, इस बेसिकली इस कंटेनर के अंदर जूस होता है, बाकी ये जो है इनका, ये इन्होंने गोल्ड प्लेट टाइप इन्होंने बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये 1 मिलियन, इसमें जो 1 का लोगो है वो भी थोड़ा डिफरेंट सा है, टिपिकल उस तरह नहीं है जिस तरह 1 मिलियन का होता है, भारत ये थोड़ा सा डिफरेंट। और ये नीचे मिलियन एलिक्सर लिखा हुआ है, यानी ऊपर 1 डिजिट वाला और मिलियन एलिक्सर, और बाकी 200 ml विच इज 6.8 fluid ounces, पाको रबान, दिस एंड दैट। मैं इसके ऊपर ना वो ढूंढता रहा कि इसका बैच कोड कहां पे लिखा हुआ है, बॉटम पे थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है, तो बैच कोड जो है ना वो इसका यहां पे लिखा हुआ है, अगर आपको नजर आ सके, जो कि बहुत मुश्किल है। ठीक है, शायद अब नजर आ रहा हो, तो ये बॉटल के साथ मैच है 13491, और बॉक्स के ऊपर भी यही लिखा हुआ है 13491। आप चेक कर लीजिएगा कि ये 2021 है या 22 है, बहरहाल ये रिलीज 22 है, ये 2022 के अंदर रिलीज हुआ है। ठीक है, मुझे बहुत सारे भाइयों ने कहा था दिल भाई इसका रिव्यू बनाए, हम फिर ये परचेज करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी फ्रेग्रेंस डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, तो मैंने जब इसको लगाया तो मुझे सिर्फ एक चीज माइंड में आई, लेकिन मैंने वो नोट करने से पहले मैंने पहले अपने घर वालों को चेक कराया, मैंने कहा यार ये चेक करो, ये उस तरह की खुशबू नहीं है। दे सेड यस, एग्जैक्टली उस तरह की खुशबू है। तो ये किस तरह की खुशबू है, पाको नेस्ले का एक चौंसा नेक्टर आता है, चौंसा मैंगो जो होता है बेसिकली, एक उसमें टिपिकल मैंगो होता है वो जरा थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है, एक उसमें चौंसा नेक्टर आता है, चौंसा नेक्टर वो बहुत ही जबरदस्त, उसकी मैंगो की डार्क सी एक खुशबू है, एग्जैक्ट
एग्जैक्ट वो चौंसा फ्लेवर की जो खुशबू है वो इसके स्टार्ट में आती है, इससे ऊपर नीचे कोई नहीं है। आप खुद जब इसको लगाएंगे आप कहेंगे, और अगर आपने वो नेस्ले का चौंसा नेक्टर पिया हुआ है तो आप कहेंगे कि यस यार इसमें तो प्रॉपर मैंगो की एक चौंसा नेक्टर की खुशबू आ रही है, चौंसा आम की एक प्रॉपर खुशबू आ रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका स्टार्ट। थोड़ा सा जब ये आगे चलता है तो इसी चौंसा नेक्टर के साथ कोकोनट मिल्क की एक, या कोकोनट की आप कह सकते हैं कि खुशबू ऐड हो जाती है, या मैंगो जूस बनाएं, मैंगो का मिल्क शेक बनाएं और उसके ऊपर हल्का हल्का खोपरा स्प्रिंकल कर दें, तो वो जो मैंगो मिल्क शेक प्लस एक खोपरे की एक खुशबू आएगी ना, वो इसके सेकंड फेज में फिर आती है। और थर्ड फेज में जाके इसमें हल्का सा बस टिश्यू पेपर की सी खुशबू इसमें, यानी उसी मिल्क शेक प्लस कोकोनट की खोपरे की खुशबू के साथ हल्की सी टिश्यू पेपर की खुशबू और थोड़ी सी लिपस्टिक की खुशबू थर्ड फेज में एड हो जाती है, एंड दैट्स इट। ये इसकी टोटल खुशबू है। डिफाइन करना बहुत आसान था, फर्स्ट फेज तो बहुत ही सिंपल चौंसा नेक्टर, सेकंड में मैंगो शेक के साथ खोपरा, और तीसरे में हल्की सी टिश्यू पेपर और लिपस्टिक की खुशबू एड हो जाती है, दैट्स इट। सेकंड फेज के अंदर इसने मुझे कहीं ना कहीं फैंटम, जिसका ऑलरेडी मैं रिव्यू अपने चैनल पर कर चुका हूं, पाको रबान का ही फैंटम जो कि एक रिबोट सा बना हुआ है, मुझे काशिफ भाई ने स्पेन से गिफ्ट भेजा था, वो उसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मैं अपनी कुछ वीडियोस में उसका जिक्र भी कर चुका हूं, बॉटल भी दिखा चुका हूं, तो उसकी याद मुझे कहीं ना कहीं इसने दिलाई, बट सिर्फ सेकंड फेज के अंदर। फर्स्ट फेज टोटल डिफरेंट, सेकंड फेज मजेदार, थर्ड फेज उससे भी ज्यादा मजेदार, एक प्रॉपर पैटर्न के साथ ये खुशबू चलती है और बहुत जबरदस्त चलती है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, विच इज एज जेंडर लॉन्गजीविटी प्रोजेक्शन। एज की बात करें, ये लिटरली मुझे यंगस्टर्स की खुशबू लगी। ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये मुझे यंगस्टर्स की खुशबू लगी, मुझे कहीं से भी ये ऐसा नहीं लगा कि, बहर डिपेंड करता है आपको अगर फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो आप इसको बिल्कुल लगा सकते हैं, बट बेसिकली ये यंगस्टर्स की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, तो एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें तो जाहिर बात है मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, ठीक है, एक परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस आप कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको मेल्स लगाएं तो ज्यादा मजा आएगा, दो के ये वाकई एक परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, बट जरा जेंट्स की तरफ ज्यादा ये सूट करेगी। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गजीविटी प्रोजेक्शन जो इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है, वेरी लॉन्ग लास्टिंग, यस इट इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग। 12 घंटे तक इसकी मेरे स्किन के ऊपर लॉन्गजीविटी रही, और उस दौरान वुजू भी मैंने किया। ठीक है, तो 12 घंटे इसकी लॉन्गजीविटी है, एंड प्रोजेक्शन 3.5 आवर्स स्ट्रेट, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन। ठीक है, तो लॉन्गजीविटी प्रोजेक्शन का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गजीविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो वेदर फॉर मी इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस। आप ऐसा नहीं है कि इसको गर्मियों में नहीं लगा सकते, सर्दियों में नहीं लगा सकते, ऑल सीजन टाइप फ्रेग्रेंस है। ठीक है, और ओकेजन की अगर हम बात करें, अच्छा ये मैं आप लोगों को पार्सल का भी थोड़ा बताता चलूं, ये देखें आप इसको, अगर आपको नजर आ सके इसका जूस यहां यहां तक है। ठीक है, यहां यहां तक इसका जूस है, जो लेवल है फुल नहीं है, तो पार्सल इसी को कहते हैं कि इसी में से उसने डीकेंट्स भी बनाए वकास ने, और फिर इसी में से मतलब ये जूस इतना बच गया तो मुझे अच्छी प्राइस में मिल रहा था तो मैंने ले लिया। एंड ट्रस्ट मी, मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे ये फुल बॉटल लेनी चाहिए थी, मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन खाली है ये क्यों खाली है, ये इतनी कमाल की खुशबू है। बहरहाल ये भी कोई 130 ml तक अभी भी होगा इसके अंदर। बहरहाल एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गजीविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर मैंने आपको बताया, ओकेजन की अगर हम बात करें, ऑल ओकेजन, लेकिन स्पेशली आप कोई स्पेशल इस तरह का इवेंट है जहां पर आपको थोड़ा सा मौज मस्ती करनी है, लाइक एक दोस्त है उसने आपको अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाया, और यार हम 10-12 दोस्त हैं, केक काटेंगे, एंजॉय करेंगे, वहां पर थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करेंगे, तो इस तरह के इवेंट पे अगर आप जा रहे हैं ना तो ये फ्रेग्रेंस लगाकर जाएं, लिटरली चेकमेट। जारी बात है आप इस तरह की जगह पे आप पैंट कोट तो पहन के नहीं जाएंगे, आप अच्छा सा फंकी सा ड्रेस पहन कर जाएंगे, जीन्स टी शर्ट, या अगर सर्दियां हैं तो जीन्स के ऊपर फुल स्लीव शर्ट, कुछ जैकेट टाइप, उसके साथ अगर आप ये फ्रेग्रेंस लगाएंगे तो कमाल, मतलब जबरदस्त, ये उस ओकेजन के लिए बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। 2022 की ये रिलीज है, और मेरे ख्याल में पाको रबान की ये आखिरी रिलीज थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
और उसके बाद उनकी रिसेंटली डेथ भी हो गई है। एक अच्छा परफ्यूमर, एक बहुत ही अच्छे, उनकी बहुत बहुत अच्छी फ्रेग्रेंसेज जो है ना वो मैंने ट्राई की हैं, इस ब्रांड की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंसेज मैंने ट्राई की हैं। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा पाको रबान का 1 मिलियन एलिक्सर। थैंक यू सो मच।